74वें आजादी दिवस मौके जिथे देश भर में तिरंगा झंडा लहराया गया उथे ही संगरूर के वख-वख पिंडां विच आईईवी यूनियन वालों अपने घरां ते कालियां झंडियां लगा के आजादी दिवस नूं काले दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके यूनियन के मैंबरां ने सरकार पासों उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा करन दी मंग कीती। आजादी दिवस असी तां मना रहे क्योंकि पूरे पंजाब दे विच कच्चे मुलाजम जिहड़े तड़फ उठे ने गए सोसण दा शिकार हो रहे ने 12 सालां दे विचों। असी घरां दे विच काले झंडे ला के घर दे मूहरे पोस्टर ला के यह लाणत पा रहे हैं कि पंजाब सरकार नूं कि कच्चे मुलाजम अज भी नरक भरी जिंदगी जी रहे ने, अज भी यह गुलाम ने गे। आजादी दिवस साडे लई कोई मायने नहीं रखता जो तक साडियां कोई मंगां नहीं मनियां जांदियां। असी आई वी यूनियन वालों पूरे पंजाब दे विच आपो अपने घर दे विच छत्तां उत्ते झंडे काले झंडे ला के कालियां पग्गां बन के कालियां पट्टियां ला के यह काला आजादी दिवस मना रहे। सर सानू कोई शौक नहीं हैगा जी भी असी कालियां पट्टियां बन के जां घर दे उत्ते काले झंडे ला के प्रदर्शन कर रहे हैं। असी सरकार दे शोषण दा शिकार होए हुए हैं, ठीक है। साडी जिहड़ी आई वी यूनियन सानू 12 साल हो गए ना मात्र तनखाह ते असी कम करदे हां, जदकि सरकार दे कन्नी असी बहुत वारी गल यही कढ चुके हैं कि पर सरकार अणबोली बोली हुई हुई है जी, साडी गल वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदी क्योंकि उन्होंने एक मनो गल अच्छा 100 रुपये 150 रुपये से मजदूर मिल रहे उन्होंने की लोड़ है साडे वल ध्यान देने की। असी बहुत दुखी हो के अज ये काम करेगा, ठीक है। असी सरकार के कन्ना तक ये आवाज पहुँचाने भी आज़ादी जो तुम मना रहे हो अज, ठीक है, थां थां झंडा लहरा के वह असी उसके निघे बिल्कुल नहीं मान रहे। असी गुलाम हाँ, अज भी गुलाम हाँ, पहला भी अंग्रेजों के गुलाम से, अज इन्हों के कालिया गुलाम हाँ। असी अपने घर के उत्ते काले झंडे लाए जी, गेटों के उत्ते अपने प्रचार लिखे, असी नारे लिखे है तो असी प्रदर्शन किया आपके तरीके किया जी। सरकार को यही कहना जी, असी हुण तक साढ़े को सारे डिग्रियां ने जी, ठीक है। असी नौकरी के हकदार हाँ गे 12 साल तो असी साडा एक्सपीरियंस बनया होगा भी सानू तजर्बे के आधार पर साडिया डिग्रिया के हिसाब से सानू पक्का किया जाए। इस तरह श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और कुछ गर्म ख्याली सिख संगठनों ने फतेहगढ़ साहब विखे भी आजादी दिवस में काले दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत उन्होंने कालिया पट्टिया बन के शहर विखे रोस मार्च कढ़िया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राज सुखदेव सिंह गगड़वाल ब्लाक प्रधान खमाणो अज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते होर जथेबंदियों वालों मिल के पूरे पंजाब दे विच जो अज दा ब्लैक डे 15 अगस्त मनाया गया है। असीं भी सरदार शिंगारा सिंह बड़ला जी प्रधानगी हेठ श्री फतेहगढ़ साहब अपनी समुची टीम दे नाल लै के काले झंडियां दे नाल तख्तियां लै के इस दिन का विरोध किया हर साल की तरह, क्योंकि सरदार सिमरनजीत सिंह मान की एक सोच है कि यह हाजरी इस दिन दे विच जरूर लाउणी बणदी आ, क्योंकि कौम 1947 तो बाद कदे भी आजाद नहीं हुई, इस करके इस गुलामी का एहसास कराते हुए अज श्री फतेहगढ़ साहब विखे क्योंकि सरकार वालों हर रोज नवे नवे आर्डीनेंस जारी करके घट गिणतियां उत्ते अत्याचार किया जा रहा है। जिवें GOP वर्गा एक कानून जो सिख कौम का धारण करने वास्ते तैयार किया उसका विरोध सिख विरोधी किसान विरोधी आर्डीनेंस घट गिणती आते जिस तरह हुण राम मंदिर की उसारी एक गगोई जज तो फैसला करवा के इन्हां ने उत्थे जबरदस्ती बाबरी मस्जिद नूं ढा के मंदिर की उसारी की गई है। इसे तरह खालसा है सानू कि साडे जो सिख कौम के गुरद्वारा साहबान ने उन्होंने भी इन्होंने हमले किए ने, बहुत सारे ज्ञान गोदड़ी मंगू मठ वगैरा तो उस चीज़ का भी असी विरोध करते हुए सारिया संगतों का मीडिया का धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। इसे तरह 74वें आजादी दिवस से हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों ने पठानकोट के वाल्मीक चौंक विखे सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके खाता धारकों ने कहा कि वह अपने पैसे लैण लई लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं परंतु प्रशासन ते सरकार वालों उन्होंने वाल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा है। बड़ी सीधी जी गल है कि अमीर तो लैके गरीब गरीब तो लैके बहुत जड़े बेचारे रोटी रोजी तो भी तंग ने उन्होंने पैसे फसे हुए हैं और जड़े साडे राजनेता ने वो एक दूजे के उत्ते इल्जाम ला के इस चीज़ को महीनों तो सालों तो लटकाई गई। अभी 18 जून तो यह धरना शुरू किया है और अज तक किसी बंदे ने ये कोई ध्यान नहीं दिता। अं दोनों तिना विधायकों भी मिल चुके हैं और असी जनता दे इस रोष नूं कहण नूं हुंदे हज़ारां बंदे दे लोकां दे पैसे है और वो अज तक किसी बंदे ने सवाल अगर अं पैसे लैन जाने जी RBI दे पुछो और RBI का इत RBI का कोई बंदा तक है नहीं इत्थे
और असी लोग आए दिन इन्होंने इन्हों झूठे वायदे और झूठिया गलों बातों के चक्कर च फसे जिदा तुहानू रजत ने दस्या भी असी इस आज़ाद हिंदुस्तान च अपने एक पैसे लैन लई भी हैंडीकैप होकर बैठे हाँ और दूजे शब्दों कही तो अं समझो गुलाम है गए इस बैंक के और अज तक इन्होंने क्या पंजाब गौरमेंट क्या महकमा कॉरपोरेट क्या RBI जिन्हों बंद देनदारी है लखा करोड़ों च और वो बंदे अज तक फरार ने अज तक उन्होंने फड़या नहीं गया और इस करके साडा सारा जिहड़ा पैसा रुकया है परेशानी वधी हुई है अखबारों देन दे महीने दो महीने बाद फलाने की प्रॉपर्टी इन्नी है ये करांगे वो करांगे अहीं तो इन्हों इत्थे तक कहा कि तुहानू अगर रुपए च 75 पैसे मिलते उन्होंने वो लैके दो ताकि बैंक खड़ा हो जाए लेकिन वो सब रोटियां सेकते पे ने पॉलिटिक्स की और असी तुहाडे बड़े शुक्रगुजार हाँ मीडिया के कि जिहड़ा साडा गायब गाय साथ दिंदे हो। इस तरह आज़ादी दिवस से कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला की संगरूर आमद को लैके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से होर गर्मख्याली सिख संगठनों ने अपनियां मंगां नूं लैके काले झंडे दिखाए ते रोस प्रदर्शन कीता। नायब सिंह रामपुरा जथेबंदक सकत्तर PAC मैंबर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सर जिहड़ा अज अलग अलग तरह के बैनर ने काला झंडा दिखा रहे हैं जिहड़ा अज असीं 15 अगस्त के दिहाड़े नूं काले दिवस वजों मना रहे हैं इहदे बहुत वड्डे कारण है। एक कारण तो यह है कि सिख नौजवान अज तक भी जेलों के बंद ने जिन्हों की सज़ा भी पूरी हो गई तो जुर्माना भी उन्होंने भर दिता वो किस कानून के तहत जेलों में बंद ने असी भारत सरकार तो पुछना चाहते हैं। दूसरा एक गल यह है कि साड़ी लगातार जिहड़ा पानी है पंजाब का यदी लगातार लुट हो रही है जिहड़ी लुट नूं असी रोकण वास्ते जे जिहड़ी स्टेट दे विच जिहड़ी चीज़ पैदा हुंदी आ उह स्टेट का हक है कि वह अपना मुआवजा लवे। जे राजस्थान दे विच पत्थर मिलता गा तो वह पत्थर के पैसे लेंदे ने जे गुजरात दे विच कोला मिलता तो वह कोले दे पैसे लेंदे ने। इस तरह के पंजाब दे नाल मां जिहड़ा मित्रेई माण वाला सलूक क्यों किया जाता गा इहदी लुट क्यों हुंदी आ पाणियां दी इह रोकणी चाहीदी है। तो जिहड़ा दूजा आर्डीनेक्स इन्होंने किसानां दे उत्ते लागू कीते ने जबरी जिहदे नाल किसान जिवें ही साडा मर जूगा तबाह हो जूगा उहदे विरोध दे विच असीं खड़े हाँ अज इत्थे कि यह सानू आज़ादी नहीं मिली सानू गुलामी मिली इत्थे। कदों तक प्रदर्शन जारी रहेगा यह पूरा एक घंटे का समा जी पूरे पंजाब दे विच सरदार सिमरजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते जसे दल खालसा सद भावना दल समुचे जिहड़ी पंथ दे दर्द रखदियां ने जथेबंदियां उन्हां वल्लों ये प्रोग्राम दिता गया गा। एक घंटे का असी रोस वजों इत्थे खड़ांगे धुप्प दे विच कड़ाके दे विच सानू दर्द है सानू रोस है कि साडे नाल बेइंसाफियां हो रही।